और रायगढ़ जिले की बात करेंगे जहां पर तमनार औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों ओवरलोड फ्लाई ऐश वाहन की अनियंत्रित रफ्तार से क्षेत्रवासियों की जान खतरे में है। यहां पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है और कोयले की राख सड़क पर उड़ रही है। 6 सितंबर की शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में CHP चौक लिब्रा के नज़दीक एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला तमनार थाना क्षेत्र के डोंगा मोहा के समीप CHP चौक का है, जहां दो बाइक सवार युवक ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान ओवरलोड वाहन ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। अरे सुनकर खुद दुख लग रहा है। कल इसमें विधायक जी आया और मैं वहाँ खड़ा था तो विधायक को देखा ना, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो गया और यहाँ से जाके वहाँ रुका। मैं दौड़ते दौड़ते गया वहाँ, उसको बोला दादा तू आ ले कम से कम मुलाकात हो ले, और हमको देख कर नहीं रुका, वो TI साहब को देख कर रुक गया। और उसके बाद में बोला कि 2 मिनट आ ले, वो बोला कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट के बाद में उसका मोबाइल ही बंद हो गया। कार की जो घटना है, हमारे दोनों लड़का आ रही हैं, दोनों लड़का जो आ रही हैं और एक लड़का ख़त्म होगी, और लड़का के पूरा इलाज पानी एक ठीक तो ख़त्म होगी, एक ठीक क्या हो के इलाज पानी होना चाहिए। आज जो लिखे हैं 15 लाख रुपया और मृत्यु के होना चाहिए नगद। इसका प्रमुख कारण जो है ओवरलोड, और जितनी रोड में जितनी क्षमताएँ हैं उससे ज़्यादा वाहनों का चलना है। ओवरलोड वाहन नहीं चलना चाहिए और रोड में जितनी क्षमताएं हैं उससे अधिक वाहन न चले।